Hi, this is Pratik Gandhi and you're watching me on Bollywood Helpline. किसी ने खूब कहा है, हम भूख से पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे, घर से निकले हैं तो इतिहास रच के ही जाएंगे। इस खूबसूरत सी पंक्तियों के नक्शे कदम पर निकल पड़े हैं बॉलीवुड के एक ऐसे उम्दा कलाकार जिनके नाम और काम में जबरदस्त टैलेंट भरा हुआ है। जी हाँ, आज मेरे साथ है बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर और मेरे भी फेवरेट, द वन एंड ओनली प्रतीक गांधी सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, नाइस टू मीट यू। क्योंकि आपके काम को पर्दे पर देखना, फिर मोबाइल फोन पर देखना और आज सामने देखना, ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, एक फ्रेम शेयर कर रहा हूँ और मैं आपके काम को सच में वाकई मतलब तारीफ के काबिल है आप बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने एज एन होस्ट एक नया बीड़ा आपके ऊपर लिया है संभालने का, क्योंकि ऑडियंस आपको हमेशा कुछ नए रूप में देखना पसंद करते हैं, इस बार आप एज एन होस्ट डेब्यू करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है ये, मैंने अब तक एज एन एक्टर काम किया है तो ये पहली बार ऐसा है जब मैं एक सूत्रधार बन रहा हूँ, एक एंकर बन रहा हूँ जो कि ये सारी कहानियाँ लोगों तक ले जाएगा और लोगों के मैं कहानी और ऑडियंस के बीच की एक लिंक बन रहा हूँ, उनका एक दोस्त बन रहा हूँ। तो मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं था तो ये एक अलग अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो मैं करना चाहता था एंड दिस इज़ अ परफेक्ट शो फॉर दिस। ग्रेट। जिस तरीके से बात करो सर, आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थिएटरिकल बैकग्राउंड, तो कहानी में भी जो थिएटर में नाटक में ना एक सूत्रधार होता है, कभी वो मौका नहीं मिला लाइफ में निभाने का? अरे बहुत बार मौका मिला है, थिएटर पे तो बहुत सूत्रधार के किरदार निभाए हैं और कई सारे तो ऐसे नाटक होते थे जिसमें लाइव सिंगिंग होती थी, लाइव डांस होते थे, तो वो भी एक अलग फॉर्मेट था, उसमें भी मजा आता था। तो कभी स्क्रिप्ट पढ़ते दौरान या किसी कैमरामैन के कैमरा रोल एक्शन बोलने पर वो दिन याद नहीं है कि यार आज सूत्रधार फिर से प्रतीक वही खड़ा है? अरे मुझे बहुत याद आते हैं वो दिन। अच्छा। यार और कभी तो रेडियो नाटक में भी हमने बहुत ये किया है सूत्रधार का काम, तो मैं वही बता रहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने थिएटर पर ये किया है, रेडियो नाटकों में ये किया है, स्क्रीन पर पहली बार कर रहा हूँ। जिस तरीके से बात करो सर मैं क्राइम सीजन आजकल 2 सीजन की, तो जिस तरीके की लिखावट लिखी गई है आपको बोलना है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सर जैसे मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, लाइफ पर्सनल लाइफ बहुत भावुक इंसान हूँ, मतलब ऐसी बात करते हो मेरे आंखें अपने आप नम हो जाती, मेरे शब्द धीर हो जाते, कभी आपके साथ ऐसा हो कोई सीन पढ़ते हो या कोई डायलॉग्स पढ़ते हो आपको लगा कि प्रतीक नहीं यहाँ पर तुझे तेरी इमोशनल कंट्रोल रखना और एज अ सूत्रधार तुझे प्रॉपर होस्ट करना है? कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है और आपने बहुत सही कहा कि ये भावनाएं जो होती हैं एक कलाकार के अंदर, मुझे इस बार ऐसा था मेरा चैलेंज सबसे बड़ा कि इस भावनाओं को काबू में रख के मुझे सिर्फ सूत्रधार के तौर पे उनके सामने एक क्वेश्चन रखना है। मैं ऑडियंस को ये प्रश्न दे रहा हूँ जिस पर वो विचार करें, मुझे मेरे विचार उन पर थोपने नहीं है, ना ही मुझे उनको डराना है किसी एक दिशा में, ना ही उन्हें ले जाना है, मैं सिर्फ उन्हें कहानी कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ और उन सोच उन पर छोड़नी है। तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग है बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा ना, अगर एक्टर बात करो, अगर आपको कोई सीन दिए गए उसमें आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तो आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एज अ होस्ट आपको बहुत बैलेंस रखना पड़ता है चीज़ों को, ये आपके साथ हुआ है कभी? बहुत बार हुआ, इसमें पहली बार मतलब ऐसा स्क्रीन पर पहली बार मैंने महसूस भी किया ये कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस कर। जी जी, आपको बैलेंस करना पड़ता है और किसी भी कहानी को, उस पूरी कहानी के सारे किरदार को आपको जज नहीं करना है, ताकि अगर मैंने अगर जज कर लिया तो मैं ऑडियंस को उसी डायरेक्शन में ले जाऊंगा जो कि करना नहीं है सूत्रधार। ओके okay. अगर बात करूँ प्रिपरेशन की तो किस तरीके की आपकी मतलब मेंटल प्रिपरेशन की बात करें, ऐसा स्क्रिप्ट तो हम आप कर रहे हैं तो डेली, बट मेंटल प्रिपरेशन की बात करूँ तो कैसे? सो मेंटल प्रिपरेशन की बात जहाँ तक है तो वो ये है कि ये देखिए जैसी जितनी कहानियाँ हैं, ये जब सारी जो कहानियाँ शूट हुई हैं वो पूरे शूट के दौरान तो मैं नहीं था, तो मैंने जब मेरे लिंक्स शूट किए हैं, मेरे एंकर लिंक्स जब शूट किए हैं, तब वो पूरी कहानी को देखना, पढ़ना, उनको समझना और उस हिसाब से ये सूत्रधार उनको कहाँ ले जा रहा है वो समझ के उसे परफॉर्म करना, मेरा काम वही था। तो वो एक तरह से ऐसा था कि जैसे आप एक किताब पढ़ लो, पूरी कहानी समझ लो और फिर उसमें से एक किरदार आप बन रहे हो, वो भी वो किरदार है जो राइटर ने लिखा नहीं है, पर वो किरदार आपको ये कहानी लोगों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस दौरान सर आप कहानी पढ़ते, कभी पैकअप के दौरान, शूटिंग कंप्लीट होने के बाद, कभी प्रतीक सर कोई कहानी अपने साथ लेकर गए यार इसी में मैं कभी घूमती रही हो कहानी दिमाग में, या कोई ऐसी कहानी हो आप तक? अब क्योंकि ये क्राइम से जुड़ी कहानियां हैं तो इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसमें जो मनोस्थिति है सारे किरदारों की और ख़ास करके जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो किस हद तक जा सकता है, ये हमारी सोच से परे है। तो जब कभी ऐसी कहानियों के बारे में हमने बात की, उसके एंकर लिंक्स किए, तो वो आपके साथ रह जाता है। ग्रेट। अगर बात करूँ सर स्क्रिप्ट की, कभी आपके साथ डिस्कशन होगी यार इसमें अगर मैं ये ऐड करूँ तो चले, कभी अपने अपनी तरफ से कुछ दिए हैं? जी जी, हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और सुबह सर उस हिसाब से ही ओपन फॉर यू नो डिस्कशन, कोलैबोरेटिव अप्रोच है उनका, तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, कहीं कुछ नए शब्द इस्तेमाल किए, कहीं कुछ नया कुछ किया। ग्रेट। अगर मैं आपके प्रति अगर अपनी स्टडी की बात करूँ, आई एम नॉट श्योर कि कंफर्म है, आप ही बताएंगे मुझे, 2016 में भी आपने क्राइम पेट्रोल में एक कैरेक्टर किया है? जी। तो कुछ लगा थोड़ा सा ऐसा देखकर माहौल? खैर मैंने जो किया था वो तो बहुत ही अलग एक कहानी थी,
पर हाँ मतलब वो एक कनेक्शन तो कनेक्शन था। था लगा आपको कि यार 2016 में चले गए फिर से प्राइम। ग्रेट। क्या लगता है सर ये जो कहानी जो माध्यमिक शोज हमारे थ्रू आता है अमेजोन टीवी हमारे लेकर आ रहा है और ये जो कहानी पे नजर डालने की कोशिश हो रही है, इस कहानी को लेकर आपको क्या करें, कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी क्या राय है पर्सनली? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीज़न वन तो लोगों ने बहुत ही सराहा है, लोगों ने बड़ी प्रशंसा भी की है उसकी। और इस सीज़न में जितनी कहानियाँ हैं वो सारी कहानियाँ यंगस्टर से जुड़ी हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनके जीवन में अभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ में उनके उनकी मनोस्थिति पे क्या होता है, भावनाओं के साथ क्या होता है, इमोशंस पे क्या होता है, वही सारी ये कहानियाँ बता रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही रिलेवेंट है ये सारी कहानियाँ अभी के चलते। ग्रेट। अगर बात करूँ सर मैं आपसे पर्सनली, तो क्या लगता है आपको जब ये कहानी आप पढ़ते खत्म हो, लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये बीत रही है कभी उसके बारे में कभी आपने सोचा, क्योंकि एक्टर ना हमेशा कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन की इस तीनों लड़ाई में हमेशा डूबा हुआ रहता है कि इसमें ढूंढते रहता है कहीं कुछ ऑब्जर्व हो जाए, कभी कोई कहानी से कुछ लिया है आपने कि यार ये मेरे नए किरदार के लिए बहुत काम आएगा? अरे बहुत कुछ है ऐसा यार, ये तो मतलब खास करके लिखावट ही इतनी कमाल है और इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और जिस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कौन सा किरदार कब कहाँ कैसे सोच लेता है, तो काफ़ी कुछ जानने सीखने लायक थे। ग्रेट सर, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा, एज एन होस्ट जब आप किसी चीज़ को होस्ट करते हैं तो हिंदी काफ़ी तगड़ी हो जाती है, ऐसा होता है आपके साथ हुआ कि हिंदी काफ़ी तगड़ी, क्योंकि शब्द का जो कलेक्शन होता है वर्ड ऑफ कलेक्शन, वो बहुत तगड़े मिल जाते हैं? हाँ हाँ, मतलब हमारा तो खैर फील्ड ही ऐसा है कि भाषाओं पर आपका वैसे ही पकड़ आपकी मजबूत होते जाती है, पर जब आप एंकर बनते हो, जब सूत्रधार बनते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बोलनी होती है और कई सारी चीज़ें समानार्थी शब्दों के साथ बोलनी पड़ती हैं, तो हाँ धीरे धीरे वो भाषा पर कंट्रोल बढ़ते जाता है। ग्रेट। कोई एक ऐसी वजह इस शो को हाँ कहने की? एक ऐसी वजह जो थी वो ये थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि एंकर का काम कभी किया नहीं था मैंने, तो मुझे लगा कि ये अगर ऐसा एक मौका आया है तो ये भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। ग्रेट ग्रेट। और कैसा लग रहा था अभी, मतलब चीज़ें चल रही, आगे बढ़ रही, क्या लगता है आगे? अच्छा है अभी तो, मैं आई एम वेटिंग फॉर ऑडियंस रिएक्शन नाउ। ग्रेट। अभी आगे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या कुछ नया नजर आएगा? अभी गांधी वेब सीरीज हम शुरू करेंगे जल्दी। ग्रेट। अगर सर बायोपिक की बात करूँ तो कोई ऐसी बायोपिक है जिसमें आप अपने आप को देखना चाहते हैं? जैसे एक्चुअली गांधी एक बायोपिक थी जिसमें सालों से मैं खुद को देखना चाहता था, और बाय गॉड्स ग्रेस अभी वही करने जा रहा हूँ। ग्रेट। अगर बात करूँ सर एक मैं ऑडियंस की प्यार की आपसे, तो एक ऑडियंस का ना प्यार आपका अलग बन चुका है, वो अब आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ चुके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कोई अब ऐसा कोई मोमेंट है लाइफ का, वेट करो कि लाइफ में फिर ऐसा एक टर्न आ जाए? यार टर्न की तो पता नहीं यार, वो तो अब सब ऑडियंस के हाथ में है, पर जितना काम करता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑडियंस तक ऐसे ही पहुँचे, हर एक अलग अलग किरदार में ऑडियंस उतने ही उत्साह से मुझे एक्सेप्ट करे। ग्रेट। एक लास्ट सवाल सर मैं जानना चाहूँगा, जब पहली बार आपने अपने घर परिवार में बताया कि इस तरीके का मैं अब होस्ट कर रहा हूँ, क्या रिएक्शंस थे घर से? दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी यार, दे आर एक्साइटेड, उनको लगा कि अच्छा चलो एक नया कुछ करेंगे तो मज़ा आएगा। ग्रेट। लास्टली सर आप फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे और फैंस और ऑडियंस से सबसे पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आने वाला साल आप सबके लिए बड़ा ही शुभ हो ऐसी शुभकामना करता हूँ, और आज तक आपने जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार बनाइए रखिएगा। ग्रेट। थैंक यू सो मच प्रतीक सर आपका कीमती समय देने के लिए, और अक्सर मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू शुरू करते लेकिन इंटरव्यू शुरू नहीं होगा, ए हालो होगा। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, थैंक यू एंड ग्रेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट्स लाते और हमारी मुलाकात होते रहे। थैंक यू सर।